चुनाव के साथ साथ मैं कहती हूँ टेम्परेचर भी शायद आज 45 डिग्री का वो है कि हो जाएगा, दिन बहुत कम बचे हैं, हर आदमी अपनी तरफ से 100% एफर्ट्स डालेगा, तो हम लोग भी 100% एफर्ट्स डाल रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, कभी 20 गांव निकाल रहे हैं, कभी 16, कभी 19, तो बहुत अच्छा चल रहा है। और महिलाएं जो हैं, मैं एक बात कहूँगी कि मेरे साथ बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई हैं। मैंने आपका देखा जितने भी प्रोग्राम, ज़्यादातर आप महिला तो हैं लेकिन महिलाओं को संबोधित भी करती हैं, तो क्या जजपा की नज़र महिला वोटर्स पे ज़्यादा है, क्योंकि 8 लाख से ज़्यादा तो महिला वोटर्स हैं? नहीं, महिला वोटर्स पे नज़र की बात नहीं है। मैं पहली बार डवाली से जब विधायक बन के गई थी तो मैं हर जगह एक बात कहती हूँ कि मैंने स्टेज पे देखा है कि धीरे धीरे महिला को जो हम पीछे करते जाते हैं और जो आगे सोफे होते हैं ना उनमें सिर्फ पार्टी के जो मेन जेंट्स होते हैं हमेशा वो बैठने का काम करते हैं। ये चीज़ मुझे पहली बार खटकी थी जब मैं खुद रैली में बैठी हूँ, तो मेरे साथ की सारी महिलाओं को धीरे 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 पीछे कर दिया। मैं एक सिंगल लेडी जो थी वो सोफे पे थी, तब मैंने मन में सोचा था कि अगर मैं डबवाले से विधायक बन के मुझे लोगों ने भेजा तो मैं महिलाओं के लिए एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊंगी जिसपे स्टेज पे सिर्फ महिलाएं बैठेंगी, वही बोलेंगी, वही माइक संभालेंगी, वही अरेंजमेंट करेंगी। तब मैंने हरी चुन्नी चौपाल बनाया था, 20 से शुरू हो गए, 12,000 तक हम लोग पहुंचे थे। और आज भी मुझे ये लगता है कि हमें नारी को सशक्त है, नारी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, वो चांद पे जा सकती है तो वो कुछ भी कर सकती है, पर फिर भी मुझे लगता है कि बहुत अभी भी हमें निकाल के महिलाओं को आगे लाने की जरूरत है। मैडम, आप ग्रामीण क्षेत्र में जा रही है तो महिलाओं को पानी के लिए कितनी दिक्कत हो रही है, बिजली की कितनी दिक्कत हो रही है इस तपती गर्मी में? बिल्कुल, मैं आपकी बात से बहुत ज्यादा सहमत हूँ। देखो, मैंने डवाली हल्के में पानी देखा था तो मैं कभी ड्राई एरिया में इतना मेरा वास्ता नहीं पड़ा, पर मैं जब बाल्डा गई हूँ ना तो मैंने पहली बार सच में भाई पानी की किल्लत क्या होती है मैंने वहाँ जाके देखी। और मेरा 4.5 साल मैं कहती हूँ मैंने इतना प्रयास किया कि हमने 16-16 गांव के जोन बना के और मैंने पानी पहुँचाने का काम किया। कम से कम मुझे लगता है 72 गांव ऐसे 112 में जहाँ मैंने पीने का पानी आज बारडा में पहुँचाने का काम किया। बड़े बड़े वाटर टैंक्स बनाए हैं जिनको बड़ी डिगियाँ बनवा के और फिर 16 गांव को उनसे डिवाइड कर करके मतलब आगे भेजने का काम किया। तो बारडा जैसी किल्लत तो मुझे लगता है या तो राजस्थान में या बाडड़ा में। मैडम, उचाणा क्षेत्र में जयप्रकाश के समर्थन में आज सांसद बिरजेंद्र सिंह खुलकर आ रहे हैं, क्या देखते हैं उनकी, इससे वोटिंग बढ़ेगी, क्या देखते हैं? वो तो विजेंद्र जी बताएं कि ऊपरी मन से आ रहे हैं या अंदरी मन से, उनका मैं कुछ नहीं कह सकती। जो जिस परिवार को मैं कहती हूँ सांसद बनाया है बीजेपी ने, 4.5 साल आप सांसद रह के कोई काम ना करके 4.5 साल, उनकी तो ग्रांट एज इट इज लैप्स हो गई, सारी वापस गई हुई है। और आज वो अगर कांग्रेस में जाके और अभी भी वो ड्रामे ही कर रहे हैं, बाप बेटा दोनों, कभी कहते हैं हमें जेपी बुलाने नहीं आ रहा, कभी कुछ, तो वो उनका आपस का है। मुझे नहीं मालूम कि कहीं वो दोबारा बीजेपी का चोला ना पहन के खड़ा हो जाए एक टाइम के बाद। टक्कर देखो, 4 प्रतिद्वंदी खड़े होंगे, एक जीतना है, बाकी 3 ने तो हारना ही है, पर खुद की मैं तो कहती हूँ अपने आप से एक टक्कर है। सुबह संकल्प जीत का लेकर निकलते हैं, शाम तक काम करें, लोगों के बीच में रहो, वोट मांगो, यही जीत है हमारी। क्या इस तरह की चर्चा आपके सामने भी आती है कि मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में? देखो, हर आदमी कहेगा कि मुकाबला हमारे बीच में है, मैं कहूंगी कि मेरे में और जो रणजीत जी में है, कोई कहेगा रणजीत जी में और जेपी में। जब खड़े होते हैं ना तो 4 में से मैं बार बार कहती हूँ कि एक नहीं जीत के जाना है, पर तीनों खड़ा ही किस लिए हो? अगर आप कहते मन के हारे हारे मन के जीते जीत, मन में संकल्प रखो, राजनीति है, जो होना हो जाएगा, बाकी जीत के निकलो सुबह। कहते हैं कि आदमपुर हमारा गढ़ है और हमारा परिवार है, जैसे हम कहेंगे वैसे ही वोट जाएंगे। वो तो फिर इलेक्शन ही, मैं कहती हूँ सर्वसम्मति से क्यों नहीं चुन के बेचते कुलदीप बिश्नोई को, क्यों एड़ियों के बल वोट मांगते हुए घूमते हैं? अभी पीछे जो इलेक्शन था विधानसभा का, बाई इलेक्शन, उनका बेटे भवेर जिसने लड़ा, फिर घर बैठे जीत जाते, क्यों वो घर घर वोट मांगते हुए घूम रहे? आज क्यों वो बीजेपी के लिए वोट मांग रहे? फिर तो आदमपुर हल्के में तो कोई खड़ा ही ना हो कभी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये जनता जनार्दन है, जिसको सिरमौर बनाना चाहिए बना देगी, जिसको धरातल पे लाना चाहिए ले आएगी। परसों मुख्यमंत्री जी यहाँ पर कांग्रेस की ओर से गारंटियां दी जा रही है, करोड़ों महिलाओं को लखपति बनाने की, भारतीय जनता पार्टी की ओर से गारंटी दी
देखो जननायक जनता पार्टी जो है, जननायक जनता पार्टी जो है वो झूठी गारंटियां नहीं देती। मोदी जी ने कहा था कि 15 लाख रुपए लोगों के खातों में आए, नंबर एक झूठी गारंटी, नंबर दो झूठी गारंटी कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिएगा, वो झूठी गारंटी। आज राहुल गांधी भी उन्हीं के उस पे कहते हैं कि मैं महिलाओं को 1-1 लाख रुपए दूंगा। अरे भैया तुम कुछ दे तो दो, सिर्फ झूठ बोलने का काम करे। मैं तो कहती हूँ बड़ी पार्टी का सांसद बनाओ ही मत, ये लोग सिर्फ एक बार वोट लेके जाएंगे, बाद में शक्ल नहीं दिखाएंगे ये लोग कभी भी आप लोगों को। जननायक जनता पार्टी का सांसद बनाओ, नैना चौटाला को बनाओ जो आपके बीच में रहेगी, आपके काम करेगी, महिलाओं के काम करेगी और आपके हकों की लड़ाई जो है वो लोकसभा में जाके। मैडम परसों मुख्यमंत्री जी ने दुष्यंत के लिए एक मैसेज दिया था कि उन्होंने कहा कि हमने तो अगले 6 महीने की भी तैयारी कर ली है दुष्यंत को। क्या चीज की कर ली? विधानसभा चुनाव की प्लानिंग को लेकर हमने उनसे प्रश्न किया था कि दुष्यंत जी से, मुख्यमंत्री से ही, मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमने तो अगले 6 महीने की भी तैयारी कर ली है दुष्यंत को बताने। वो तो पहले 75 पार जा रहे थे ना तैयारी करके। जनता जनार्दन है भैया, ये मतलब पता नहीं इनके मत में क्या चलता है। बार बार मैं कहती हूँ कि जब ये धाराशाही करने पे आए ना तो सबको लिटा देती है, और जब जनता का मन रुझान किसी की तरफ होता है तो उसको सिर मोड़ना। लास्ट क्वेश्चन, नैना चौटाला जी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है इस चुनाव में? मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो महिला शक्ति है। मैंने महिलाओं को पंचायतों में 50% की भागीदारी दिलवाने का काम करा है, 33% मैंने डिपो होल्डर्स में उनको भागीदारी दिलवाने का काम करा है, और अगर मैं लोगों ने मुझे लोकसभा भेजा तो मेरा सबसे बड़ा काम जो है वो लोकसभा में बोलकर महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, और सबसे बड़ी जब मैं महिलाओं के ग्रामीण अंचल में जाती हूँ उनका स्वास्थ्य जो है वो मेरे लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि आज सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो बीमारियां हैं वो महिलाओं में बहुत ज़्यादा फैल रही है और महिलाएं जो है वो बता नहीं रही। तो हमें इंटीरियर में काम करना पड़ेगा, महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा उनके स्वास्थ्य के प्रति, और सबसे बड़ा जो शिक्षा का है, आज 20,000 टीचर्स जो है वो स्कूलों में नहीं और 4,500 टीचर्स जो है वो लेक्चरर्स जो है वो कॉलेज में नहीं, तो शिक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। थैंक यू।